अभी देखिए बच्चों, अब अपने करते हैं फोटोसिंथेसिस का पार्ट टू। पिछली क्लास में अपनों ने जोसेफ प्रीस्टले का योगदान पढ़ा था, जोसेफ प्रीस्टले का, और मैंने ये बताया था कि जोसेफ प्रीस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक, बेलजार उसने अपने प्रयोग में काम में लिया था, और उस प्रयोग के आधार पर उसने यह बताया कि जो पादप है ये क्या करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। जो पादप है ये वायु को शुद्ध करते हैं। देखिए, जोसेफ प्रीस्टले की यह बात प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, क्योंकि वर्तमान में अपने को पता है कि जो प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के कारण CO2 के लेवल में तो कमी आती है और O2 का लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो अपने नॉर्मली यही कहते हैं, जहाँ पर CO2 की मात्रा कम होती है, O2 की मात्रा ज़्यादा होती है, वो एरिया अपने शुद्ध मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह जोसेफ प्रीस्टले ने एक्सपेरिमेंट किया। आगे देखिए, अगला जो साइंटिस्ट है वो है जॉन इंजनहाउस। जॉन इंजनहाउस, जॉन इंजनहाउस, इसने 1779 में एक्सपेरिमेंट किया। इंजनहाउस 1779 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और इसने प्रीस्टले के प्रयोग की पुष्टि की, यानी इसने यह बताया कि प्रीस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसका एक्सपेरिमेंट के बाद में जो भी प्रीस्टले ने निष्कर्ष निकाला था वो सही है, ठीक। इन्होंने एक बात और भी बताई कि वायु का शुद्धिकरण वायु का शुद्धिकरण पादप के केवल हरे भागों द्वारा, पादप के केवल हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये इसने और ऐड कर दिया कि अरे भाग और प्रकाश, यानी धीरे धीरे अपने प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक। पहले स्टीफन हेल्स आया, फिर प्रीस्टले, अब जॉन इंजनहाउस, ठीक। आगे देखिए, फिर आए जीन सेनेवियर तथा डी सेसर। जीन सेनेवियर तथा डी सेसर, जीन सेनेवियर तथा डी सेसर, ये आए थे 1782 में और ये 1804 में। यहाँ पर इनका जन्मदिन नहीं है, या जो जिस सन में जन्मे वो नहीं है। यहाँ पर जो मैं सन लिख रहा हूँ उसका मतलब है कि इन्होंने अपना जो वर्क है ना, ठीक, या जो भी स्टेटमेंट दिया वो किस वर्ष किस सन में दिया। तो जीन सेनेवियर ने अपना कार्य किया 1782 में और डी सेसर ने 1804 में। देखिए, इन्होंने क्या किया कि अरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 का अवशोषण व O2 का निष्कासन करते हैं। कि जो अरे पौधे होते हैं ना, अरे पौधे CO2 का तो क्या करते हैं,
अवशोषण है और O2 का क्या करते हैं, निष्कासन। ठीक, ये स्टेटमेंट दिया था जीन सेनवियर तथा डी सेसर ने। आगे देखिए, अगला साइंटिस्ट है डिट्रोचेट। अगला साइंटिस्ट कौन है, डिट्रोचेट। इन्होंने अपना कार्य 1837 में किया। कब किया, 1837 में। और इन्होंने क्या बताया, कार्बन स्वांगीकरण। कार्बन स्वांगीकरण में पर्णरित का महत्वपूर्ण योगदान है। कार्बन स्वांगीकरण क्या है, देखिए जो प्लांट है वो कार्बन कहां से लेते हैं। देखिए प्लांट CO2 को अब्सॉर्ब करते हैं और यहां पर कार्बन भी है, तो जो प्लांट है वो कार्बन को CO2 की फॉर्म में प्राप्त करते हैं। अब क्या होगा, ठीक, अब आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा शर्करा बनेगी, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा, जैसे C6H12O6। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कार्बन स्वांगीकरण, यानी प्लांट CO2 को अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है, और बाद में यह यहाँ पर जो कार्बन है ना, इस कार्बन का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में होगा, जिसको कहते हैं अपने कार्बन स्वांगीकरण। और इस प्रक्रिया में किसका रोल है, पर्णरित का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, ये किसने बताया, डिट्रोचेट ने। ठीक, किस प्रकार पर्णरित कार्बन स्वांगीकरण से संबंधित है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पर्णरित का क्या योगदान है, वो अपने आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। आगे देखिए, एक साइंटिस्ट और है, जूलियस रॉबर्ट मेयर। जूलियस रॉबर्ट मेयर, इन्होंने 1845 में कुछ बताया था, 1845। इन्होंने क्या बताया, देखिए, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का स्पष्ट रूप से चित्रण किया। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का स्पष्ट रूप से चित्रण किया, और उन्होंने यह भी बताया कि प्रकाश संश्लेषण में पादप करते क्या है, पादप करते हैं, जो पादप होते हैं प्रकाश संश्लेषण में करते क्या है, पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, किस प्रकार होती है वो अपने देखेंगे आगे, जब अपने प्रक्रिया पढ़ेंगे तब। आगे देखिए, अगला साइंटिस्ट है जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स,
कुछ किताबों में सेच भी लिखा आता है। ठीक, इन्होंने 1887 में अपना कार्य किया। कब है? 1887 में। ठीक, अब देखिए, इन्होंने ये सर्वप्रथम प्रमाण दिया कि पादप के हरे भागों में ग्लूकोज बनता है। इन्होंने सबसे पहले यह प्रमाण दिया कि पादप के हरे भागों में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और आज अपनी इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी जो पादप होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण खुद कर लेते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण खुद कर लेते हैं। ठीक, तो इसी को अपने कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक, और यह जो ग्लूकोज है ना, स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अभी यह जो ग्लूकोज है पादपों में किस रूप में संचित रहेगा, स्टार्च के रूप में। और जूलिस वॉन सैक्स ने इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण नाम से संबोधित किया। उन्होंने यह बताया कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट भोजन बनाते हैं। ठीक, जो हरे भाग है पादप के वो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और बाद में ठीक ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि ग्लूकोज, यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, यानी ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। ये सरल कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। आगे देखिए, अगला साइंटिस्ट है एफएफ ब्लैकमैन। एफ ब्लैकमैन ये आए थे 1904 में, यानी इन्होंने अपना कार्य 1904 में किया। एफ ब्लैकमैन, देखिए, इन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, और यह प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। इन्होंने बताया था यह प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, दो चरणों में। और वो दो चरण कौन से हैं? प्रकाशिक और अप्रकाशिक। हिंदी में कहते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस। तो एफएफ ब्लैकमैन जो कि 1904 में आए थे, 1904 में इन्होंने अपना कार्य किया था। इन्होंने ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण जैव रासायनिक प्रक्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, प्रकाशिक चरण या लाइट रिएक्शंस और अप्रकाशिक चरण या डार्क रिएक्शंस। अपने आगे इनके बारे में डिटेल करेंगे कि प्रकाशिक चरण क्या होता है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, अप्रकाशिक में क्या होता है। ठीक, आगे देखिए, देखिए एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात और है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको पता है कि ऑक्सीजन मुक्त होती है, आपने पढ़ा भी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है, आपको पता है ये। लेकिन ये ऑक्सीजन आती कहां से है? देखिए, शुरू में साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है ना, यह ऑक्सीजन CO2 से आती है। किससे आती है?
CO2 से आती है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ना, वो कहाँ से आ रही है? CO2 से। यानी CO2 टूटती होगी, मतलब साइंटिस्ट ने ये माना था कि CO2 टूटती होगी, और फिर कार्बन तो शर्करा के निर्माण में भाग ले लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, ठीक। लेकिन नील नाम का एक वैज्ञानिक था, नील नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट अपने देखेंगे आगे, या उन्होंने जो भी प्रयोग किया था, क्या काम किया था, उन्होंने क्या बताया था, वो अपने देखेंगे। नील ने एक प्रयोग किया, और इस देखिए ये जो प्रयोग है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से इस बात पर नहीं था, ये O2 काम से आती है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नील का प्रयोग इस बात के लिए नहीं था कि O2 कहाँ से आ रही है। उन्होंने बस एक प्रयोग किया, लेकिन उस प्रयोग से संकेत मिला कि प्रकाश संश्लेषण में जो O2 मुक्त हो रही है ना, वो CO2 से नहीं आती, या प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसका स्रोत CO2 नहीं है। फिर कौन बचा? फिर बचा H2O, और यह अनुमान लगाया गया। देखिए यहाँ पर प्रयोग द्वारा प्रमाणित नहीं हुआ है, नील ने बस एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जो भी वो कर रहा था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से अनुमान लगाया साइंटिस्ट ने कि इस प्रयोग के आधार पर अपने यह अनुमान लगा सकते हैं। साइंटिस्ट ने ये समझा कि प्रकाश संश्लेषण में जो O2 उत्पन्न हो रही है ना, वो CO2 से नहीं आ रही है। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि कहाँ से आ रही है, तो उनके पास एक ऑप्शन और था कि वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, H2O से, क्योंकि आपने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 भी भाग लेती है और H2O भी भाग लेती है। और बाद में इसको प्रयोग द्वारा प्रमाणित भी किया गया, ठीक। नील ने तो सिर्फ इशारा किया था कि ये जो O2 आ रही है ये CO2 से ना आकर H2O से आ रही है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण में जो मुक्त होने वाली O2 है वो H2O से आती है, ना कि CO2 से। ये तो नील ने सिर्फ इशारा किया था, बाद में और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस बात को प्रयोग द्वारा प्रमाणित भी किया, ठीक। तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाले O2 का स्रोत क्या है? H2O। अब बात करते हैं नील की, अपने नील ने क्या किया था। देखिए पुराना नाम साइंटिस्ट का कार्नेलियस वॉन लीन नील, कार्नेलियस वॉन नील 1931 में इन्होंने अपना प्रयोग किया, 1931 में। देखिए इन्होंने ये प्रयोग बैंगनी हरे बैक्टीरिया पर किया था, अपना प्रयोग किन पर किया? बैंगनी हरे बैक्टीरिया पर प्रयोग किया। और ये जो बैक्टीरिया है ना, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी, ठीक। देखिए इन्होंने यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता से प्राप्त हाइड्रोजन प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता से प्राप्त, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं हाइड्रोजन, ठीक, शॉर्ट में लिखा है हाइड्रोजन CO2 को उपचित करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है, CO2 को
अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाइड्रोजन दाता कौन है। डिटेल में तो अपने आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मैंने आपको चार चीज़ें बताई थी, CO2, प्रकाश और वर्णक, जिनमें सभी वर्णक आ गए हैं। ठीक, वर्णक का मतलब सारे आ गए। मैन तो आपको पता है पर्णरित होता है, क्लोरोफिल होता है, इसके अलावा कैरेटिनॉइड्स, जेंटोफिल, ठीक है, फाइकोरीथ्रिन, फाइकोसाइनिन, बहुत सारे हैं। एक और रह गया, वो होता है हाइड्रोजन दाता। तो प्रकाश संश्लेषण की चार आवश्यकताएं, इनमें से कोई भी अगर एक नहीं होगा ना, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। देखिए हाइड्रोजन दाता, CO2, प्रकाश और वर्णक, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सभी का अपना अपना रोल है। ठीक, लेकिन यहां पर जो कच्चा माल है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो ये दो है। कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए एक तो हाइड्रोजन दाता है और एक CO2 है। अब देखिए, आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6। ठीक, और मैंने आपको कच्चा माल बताया है CO2 और हाइड्रोजन दाता। ठीक, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन होता है। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक, तो रिडक्शन तभी होगा जब कहीं से हाइड्रोजन इस पर आएंगे, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी अणु यौगिक हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तो उसका अपचयन हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का क्या होता है, अपचयन, और शुगर बनती है ये रही। अब अपचयन किससे होगा, अपचयन कई तरीके से हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अपचयन कैसे हो रहा है, मतलब आपने पढ़ा है, ठीक, जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो भी अपचयन होता है। ठीक, ऑक्सीजन निकल जाए तो भी अपने उसको अपचयन में शामिल करते हैं, हाइड्रोजन डायरेक्ट स्वयं कर ले तो भी अपचयन है। तो CO2 का अपचयन होगा, और अपचयन यहाँ पर कैसे होगा कि जो हाइड्रोजन है ना वो CO2 पर आएगी। देखिए यहाँ पर शर्करा में देखिए तीन चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अपने पास कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, कमी किसकी है, हाइड्रोजन की है। तो हाइड्रोजन कहीं और से आएगी और हाइड्रोजन इसके साथ संयोग करके शुगर बनाएगी। अब हाइड्रोजन आएगी किससे, हाइड्रोजन दाता से। और ये हाइड्रोजन दाता जो है ना, अगर अपनी बात करें प्लांट्स की, जो आप प्लांट देख रहे हो बाहर, इनकी बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन दाता कौन है, H2O है। और ये तो बैक्टीरिया है ना, बैंगनी हरे बैक्टीरिया, ये भी प्रकाश संश्लेषी है, इनमें हाइड्रोजन दाता कौन है, H2S। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक हाइड्रोजन दाता होता है जो हाइड्रोजन का दान करता है, हाइड्रोजन को देगा, और वही हाइड्रोजन CO2 के पचन में भाग लेगी और CO2 का पचन होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो हाइड्रोजन दाता की भूमिका ये दो है, पादपों में तो ये निभाता है भी H2O, और जो बैक्टीरिया है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया है, जैसे कि बैंगनी हरे बैक्टीरिया, इनमें हाइड्रोजन दाता की भूमिका कौन निभाता है, H2S। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता से प्राप्त हाइड्रोजन CO2 को पचित करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है। हाइड्रोजन दाता के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया। अब इन्होंने जो प्रयोग किया था ना, उसकी मैं समीकरण लिख रहा हूं, 2H2S प्लस CO2, 2H2S प्लस CO2। ठीक, बने क्या, 2S CH2O H2O, 2 बनेगा क्या, 2S
सी एच टू ओ प्लस एच टू, ये समीकरण है। नील ने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग को ठीक उन्होंने एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 के साथ क्रिया कर रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S हाइड्रोजन दाता की भूमिका निभा रही है, यानी इससे हाइड्रोजन निकलेगी और वो CO2 पर जाएगी और CO2 का अपचयन होगा, ठीक, और क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ठीक, देखिए संपूर्ण प्रक्रिया इतनी सरल नहीं होती, डायरेक्ट हाइड्रोजन दाता से हाइड्रोजन CO2 पर नहीं जाती है। ठीक, ये तो सिर्फ अपने समझने के लिए कह रहे हैं, बीच में और भी कुछ आएगा, अपने कंप्लीट प्रक्रिया देखेंगे कि हाइड्रोजन दाता से हाइड्रोजन किस प्रकार CO2 का अपचयन करती है। ये नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर इस पर आ जाए, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। अब देखिए यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि शुरू में क्या कह रहे थे साइंटिस्ट कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है, CO2 से आ रही है। शुरू में साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या माना था कि प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, CO2 से आती है। लेकिन इस प्रयोग में क्या है, इस प्रयोग में CO2 तो है लेकिन ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो रही। ठीक, अगर प्रकाश संश्लेषण में अगर ऑक्सीजन CO2 से मुक्त होती है या ऑक्सीजन का स्रोत CO2 होता तो यहाँ पर ऑक्सीजन आनी चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर CO2 है, CO2 तो ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर कौन सी गैस मुक्त हो रही है, सल्फर। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो सल्फर हो रही है, पर साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर यहाँ पर H2O तो यहाँ पर क्या मुक्त होगी, ऑक्सीजन। यानी फिर जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो कौन है, जल है, न कि CO2। बाकी करते अपने कल।